दिस वीडियो इज अबाउट अ एसे कल्चर एंड सोसाइटी विच वॉज रिटन बाय रेमड विलियम्स सो लेट स्टार्ट दिस एसे इज़ नॉट अ हिस्ट्री ऑफ कल्चर बट एन आइडिया ऑफ कल्चर इट ट्रेस हाउ आइडिया ऑफ कल्चर एमर्ज एंड इवोल्व अक्रॉस द प्रिसडिंग टू सेंचुरीज इट मीन्स इस वर्क के अंदर हम कल्चर की हिस्ट्री के बारे में नहीं पढ़ेंगे कल्चर को एक आइडिया के लेकर चलेंगे एंड इट विल ट्रेस आउट द एमरजेंस ऑफ कल्चर विच वॉज इवॉल्व्ड इन प्रिसीडिंग टू प्रिस टू सेंचुरीज टू सेंचुरीज से किस तरीके से कल्चर इवोल्व हुआ है एमर्ज हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे बाई दी वर्क ऑफ की ऑथर्स फ्रॉम बुर्क मिल रोमैंटिक्स पोएट्स थ्रो लॉर्ड एंड ईलियट एंड ऑरवेल। इट मीन्स विद द वर्क ऑफ आल दिस ऑथर्स वी विल नो और वी विल वी कैन अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर हाउ कल्चर अमर्ज

से बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे सोसाइटी चेंजड हुई थी नॉट ओनली इन एवरीडे लाइफ बट एन इंडिविजुअल साइकी इंडस्ट्रियलाइजेशन डेडंट इफेक्ट इंडिविजुअल्स डेली लाइफ बट इट आल्सो इफेक्ट इंडिविजुअल्स मेंटल मेंटेलिटी और इंडिविजुअल साइकी कल्चर वॉज ए मीन ऑफ चैलेंजिंग दिस डेवलपमेंट बट आल्सो आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव सो अकॉर्डिंग टू रेमड विलियम्स कल्चर इज द ओनली वे टू challenging this development, or culture is an alternative of this development. Culture was the thing that would save us all. So it is the line set by the Raymond Williams that culture is the only thing or culture was the thing that would save us all. From the Romantics onward, artists separate from rest of society and regarded them as specialized and superior. इट मीन्स आर्ट को जो है वो कल्चर से अलग समझा जाता था आर्टिस्ट को सोसाइटी के अन्य लोगों से अलग समझा जाता था और ऐसा माना जाता था कि दैट आर्टिस्ट वाज वर सुपीरियर और स्पेशलाइज दे स्पेशल पावर विलियम्स नोट्स दैट मैथ्यू आर्नोड्स वर्क कल्चर एंड एन हैज़ रिमेंड मोर इन्फ्लुएंशनल फॉर हीम कल्चर वॉज एन अल्टरनेटिव टू वर्ट इज रिगार्डेड एज एन इन दिस वर्क विलियम आर्नोड टेक द आइडिया ऑफ़ मैथ्यू आर रेमड विलियम्स टेक टुक द आइडिया ऑफ़ मैथ्यू आर नोट्स वर्क कल्चर एंड एनारजी अपने कल्चर एंड एनारजी के वर्क में आर्नोड ने यह बात कही है कि कल्चर जो है वही एक तरीका है जो हमको अन एनार, आर यानी कि एराजकर्ता एराज से हमको अनारकी से हमको बचा सकता है कल्चर

ही डी डॉन्ट कंसिडर्ड कल्चर एज एन आर्ट ही सी कल्चर एज ए होल वे ऑफ लाइफ कल्चर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज एब्सट्रैक्ट फ्रॉम सोसाइटी ही सैड दैट कल्चर जो है वो सोसाइटी से एब्सट्रैक्ट नहीं है जो है सोसाइटी का कोई भी एक आइडिया या कॉन्सेप्ट नहीं मतलब कोई आइडिया या कॉन्सेप्ट नहीं है कल्चर दैन कैन भी डिफ्यूज एंड ट्रांसमिटेड इन ऑर्डर टू अचीव ए मोर जनरल फॉर्म ऑफ एंडलाइटमेंट इट मीन्स कल्चर इज नॉट अ कॉन्सेप्ट विच इज रिफ्यूज और ट्रांसमिटेड टू अनदर जनरेशन इट इज़ यूज कल्चर इज यूज फॉर एनलाइटमेंट विलियम चैलेंज इज द नोशन ऑफ एजुकेशन एज ए लेडर ए सोशल मोबिलिटी डिवाइस दैट विल अनेबल इफ फ्यू इंडिविजुअल टू एस्केप देअर वर्किंग क्लास ओरिजन उसके बाद उन्होंने अपनी एजुकेशन की बात की है कि एजुकेशन एक लैडर नहीं है जो कि एक सोशल मोबिलिटी का एक साधन नहीं है कि केवल फ्यू इंडिविजुअल एजुकेट होकर जो है वर्किंग क्लास ओरिजिन से एस्केप हो सके एजुकेशन एक लैडर नहीं है एजुकेशन ही कल्चर को इम्प्रूव कर सकता है एजुकेशन अबाउट कल्चर शुड एड्रेस द होल वे ऑफ लाइफ एंड टू क्रिएट अ कॉमन कल्चर एजुकेशन से ही क्या हो सकता है कल्चर सिखाया जा सकता है जिससे एक कॉमन कल्चर डेवलप हो सकता है और इट में और कल्चर होल वे ऑफ लाइफ है विलियम लिविज प्रपोजल फॉर टीचिंग अबाउट पॉपुलर कल्चर मतलब एफ आर लीवीज ने बोला था कि कल्चर को एजुकेट करने की ज़रूरत है कल्चर को सिखाने की ज़रूरत है तो विलियम्स ने इस बात को सपोर्ट किया था सो इट्स ऑल अबाउट द वर्क कल्चर एंड सोसाइटी रिटर्न बाय द हेरेमट विलियम्स